नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। बुधवार देर शाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्वारंटीन किए गए 14 संदिग्ध लोगों को समय अवधि पूर्ण होने पर फूल मालाओं से स्वागत कर विदा किया। अब स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी मरीज क्वारंटीन नहीं है। क्वारंटीन लोगों को चिकित्सक डॉक्टर अजीत सिंह गंधव ने 14 दिनों तक होम क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए। वहीं स्वस्थ हुए लोगों ने कहा कि हम घर पर अपने अपने घरों में क्वारंटीन रहकर शासन के आदेशों का पालन करेंगे। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग व पुलिस कर्मियों का आभार व्यक्त किया। चिकित्सक अजीत कुमार गंधर्व ने बताया कि यह सभी लोग 28 अप्रैल को अस्पताल में क्वारंटीन थे। सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। बुधवार को समाप्ति पूर्ण होने पर उन्हें राशन किट व फूल माला पहनाकर तथा ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन करते हुए विदा किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पुलिस कर्मी भी मौजूद रहे। नूरपुर से गुलफाम राजा की रिपोर्ट। साहब, ये इतने कब से थे, क्या थे? ये हमारे पास 28 तारीख से हम लोगों के पास क्वारंटाइन थे। हमने इनके सैंपल कराए थे, जिसमें 2 तारीख को 2 लोग पॉजिटिव आए थे। तो हमने उन्हें TMU अस्पताल मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया था। उसके बाद 7 तारीख को 2 सैंपल हमने कराए थे, जिसकी रिपोर्ट 13 तारीख को पिछली रात को 11 बजे की लमसम आई। उसके बाद जिसमें 2 लोग और पॉजिटिव निकले, ठीक है, उनको हमने विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया था। अब ये लोग हमारे पास, इनके 15 दिन हो गए, तो हम इनका क्वारंटाइन पूरा होता है। यहाँ अब हम इन्हें होम क्वारंटाइन के लिए घर कोई दिक्कत परेशानी इनको अभी तो इस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब स्वस्थ है। इसका मतलब सब स्वस्थ है, अपने घर जा सकते हैं, अपने घर जा। कोई परेशानी तो नहीं करा किसी ने? नहीं, सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा है ना। ठीक, जैसे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हम तो डॉक्टर साहब की टीम में शामिल रहे। जहाँ जहाँ डॉक्टर साहब गए, उनके साथ हम उनके सहयोग में रहे डॉक्टर साहब के में, तो सभी कुछ ठीक रहा। अच्छा, और काफ़ी सहयोग रहा। जितने हमारे क्वारंटाइन साथी थे, इनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। इन्होंने हमें सहयोग किया, हमने इनको सहयोग किया, तो काफ़ी हद तक जो है कोरोना से लड़ने में मदद मिली।